हेलो पेरेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ मूंग के मिनी उत्तपम्स बेबीज़ जो कंप्लीट कर चुके हैं 1 ईयर, और किड्स के लिए। मूंग की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही अच्छी होती है। फूड एंड न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे 10 बेस्ट सुपर फूड में कंसीडर किया है, तो डेफिनेटली इसे अपने बेबी के मील में इंक्लूड करें। तो आइए देखते हैं उत्तपम के इंग्रेडिएंट्स और प्रिपरेशन। यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी मूंग, लहसुन, प्याज, पनीर, धनिया, ग्रेटेड गाजर और प्याज और सेंधा नमक। तेल हम ग्रीसिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो ये मैंने लहसुन और जो खड़े प्याज थे और मूंग, मैंने इन तीनों को ब्लेंडर जार में पीस लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा पतला करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी थिक बैटर है, हमें थोड़ा सा पतला चाहिए ताकि हमें स्प्रेड करने में हमें इजी हो और जो उत्तपम बने बहुत ही ज़्यादा मोटे ना बने। तो मैं उस अकॉर्डिंगली मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पतला कर लूँगी। ये देखिए इतना ठीक है पानी। अब हम इसमें सेंधा नमक डाल लेंगे, स्वाद अनुसार सेंधा नमक यूज़ कीजिए आप। तो अब बस ये इतनी ही चीज़ चाहिए हमारा बैटर रेडी करने के लिए, मूंग, लहसुन, प्याज और सेंधा नमक। ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो उसके लिए मैं पैन पे ऑयल ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए मैंने पैन रख लिया है और ग्रीस भी कर लिया है ऑयल से। अब हम एक स्पून, अच्छा बड़ा स्पून लेके हम हमारा ये जो बैटर है ये इस पे स्प्रेड करेंगे, क्योंकि हमें मिनी उत्तपम बनाने हैं बच्चों के लिए, तो हम उसी अकॉर्डिंगली छोटे छोटे उत्तपम बनाएंगे। आप अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप चाहें तो आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं। मैं एक साथ 2 उत्तपम बनाऊंगी छोटे छोटे। ये मैं दूसरे उत्तपम के लिए भी मैंने बैटर डाल लिया है पैन पे। और अब हम इसके ऊपर हमारे जो बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालेंगे, प्याज, बच्चों को चीज़ें जितनी कलरफुल दिखती है वो उतना ही उसे खाने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, तो हम इसे कलरफुल बनाएंगे। अब मैं इसके ऊपर गाजर डाल दे रही हूँ। और पनीर, ये इतना कलरफुल दिख रहा है, ऑलरेडी ये ग्रीन है और बैटर हमारा, और इसके ऊपर हम धनिया डाल रहे हैं, पनीर डाल रहे हैं और गाजर डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं, तो ये इतना अच्छा बन के आता है। ये देखिए मैंने इसे फ्लिप कर लिया है। हम इसे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पका लेंगे। ये देखिए मैंने इसे फिर से फ्लिप कर दिया है और ये दूसरे तरफ भी अच्छा पक चुका है। तो अब हम इसे उतार लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मिनी उत्तपम्स हमारे बेबीज़ के लिए और किड्स के लिए रेडी है। आप ये लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको, आपके बच्चों को ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू, बाय।